आइए अब एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़। और ये क्या है? एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड भिन्न के जोड़। जिस मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जिसमें पूर्णांक भी होता है, होल नंबर भी होता है। चलिए एक देखते हैं समझने के लिए। एक पूर्णांक 2/3 प्लस दो पूर्णांक 4/5। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ठीक है ना, अगर हम चेंज करेंगे तो इस किस में चेंज हो जाएगा? थोड़ा सा याद कीजिए, ये हम जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। कैसे? 3 को 1 से गुना किया 3, 3 में से 2 जोड़ा 5, ये 5/3 हुआ। ये 5/3 में आप जरा देखिए, मुंडी जो इसकी भारी है 5 है, 3 छोटा है। जबकि फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? नीचे वाला बड़ा संख्या होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा संख्या। जो भी हो, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना है, लेकिन जोड़ने के लिए जरूरी है जो आज के सिस्टम में, बाद में हम और भी सीखेंगे इसको, हम दूसरे तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। तो आज अभी जो हम ये जो है ये किताबी तरीका है जिसे हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए ये क्या था, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसे हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3 में। फिर देखिए दो पूर्णांक 4/5 था, इसको 5 × 10 = 14 में हमने चेंज किया। तो ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन था, पहले हम इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम जोड़ने की क्रिया को तो हम जानते ही हैं, पहले भी हम सीखे हैं। वो क्या करते हैं, 3 के साथ 5 को गुणा में रखा, 3 और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह रख दिया, और ऊपर से नीचे कोना कोनी 5 × 5 प्लस नीचे से ऊपर कोना कोनी 3 × 14, तो 50 और 14 = 41, तो 25 और अगर 42 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 और 25 को जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 67 होगा, और नीचे 5 × 15। अब देखिए इसकी मुंडी भारी है, नीचे वाला हल्का है, तो मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो आगे जाके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। तो हम देखिए 15 से भागा देते हैं, 15 × 60, ये 4 लिख दिया। अब 67 से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो 4 × 7/15 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो पद्धति है, इस पद्धति में हमने क्या किया, पहले पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस तरह से हमने आंसर लाया। अब हम एक दूसरे तरीका करते हैं, ये बहुत सारे किताबों में मिलेगा, मैं भी इसे करता हूं। ये देखें, इसे हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहां पे हमने क्या किया, 2 और 1 को हमने सीधा सीधा जोड़ दिया, 2 और 1 को हमने, ये होल नंबर है, 1 पूर्णांक है 2 पूर्णांक है 3 जोड़ दिया। अब 2/3 को 4/5 से जोड़ेंगे, तो हम जानते क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, तो हम किया 5 × 10 और यहां पे किया 3 × 12, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया, और 3 और 5 में आपस में गुना तो 15 हो गया, तो ये 3 × 22/15। लेकिन हम देखते ही पहचान जाते हैं कि नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये फिर टूटेगा। तो हम 3 तो लिख के रखे हैं पूर्णांक का, प्लस हम कितना बार टूटेगा, 15 को हम अगर भागा देंगे तो एक ही बार जा सकता है, इसलिए हमने 1 लिखा, तो 15 × 15 तो बचेगा कितना, 7/15। अब हम 3 और 1 को जोड़ दिया तो 4 हुआ, 4 × 7/15। तो देखा जाए तो ये वही मैथ था जो ऊपर हमने किया था, ये भी मैथ यही है, लेकिन हमने बहुत सारे स्टेप्स को यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ के जगह थोड़ी सी जल्दी में है, यहाँ भी जैसे हमने 4 × 7/15 निकाला था, यहाँ भी हमने 4 × 7/15 ही हमसे निकला।